तो बताओ कब फ्री हो, फिल्म देखने चले? दिल कितना होता बताओ ना। रोजी तुम देख सकते हो ना, मैं बिजी हूँ अभी। नहीं सर, आपका 680 रुपीज हुआ। बहाने नहीं चलेंगे, बताओ संडे को चले? I'm sorry sir, मेरे पास चेंज नहीं है, अगर आपके पास है तो प्लीज दे दो। मैम होते तो देता नहीं। रोजी तुम्हारे पास चेंज है? भाव क्यों खा रही हो तुम, चलना है कि नहीं? रोजी मैं कुछ मांग रही हूँ ना, चेंज है कि नहीं? नहीं, इतना सारा मेरे पास कहाँ से आएगा? और आप कार्ड से क्यों नहीं पे करते, बिना बात बच्चे की जान खा रहे हैं। मेरा कार्ड किसी रीजन से ब्लॉक है रोजी जी। टिकट बुक कर लो। अरे यार ये फिल्म देखने का भूत कब से सवार हो गया तुम्हें? अच्छा अगर फिल्म नहीं देखना है तो डिनर के लिए तो टाइम निकाल सकते हो ना, बस तुम और मैं। ठीक है हम डिनर पे चलेंगे, लेकिन इतनी अर्जेंसी क्यों? है कुछ बात, एक्चुअली तुम्हें कुछ बोलना है। क्या बोलना है? मैडम चेंज। एक मिनट सर, आपका चेंज ही ढूंढ रही हूँ ना। बताओ ना क्या हुआ रोजी? हाँ मेरा नाम रोजी है, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ भी तो नहीं। देखो मैं आर्मी में हूँ, हैव सम रिस्पेक्ट ओके? मैडम आप इनको हाँ बोल दीजिए ना, वरना ये आपसे पूछते रहेंगे और मुझे लेट हो जाएगा। रोजी एक सेकंड, भाई का फोन है। हाँ बोलो भाई। हाँ अक्षय सुनना, कहाँ पे है, मिल सकता है क्या? मैं आबादी के कैफे में, आ जाओ इधर आ जाओ। अरे नहीं 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 वहाँ नहीं, बाहर मिलते हैं कहीं। क्यों क्या हो गया? अरे है कुछ बात यार, मिल के बात करना जरूरी है। अच्छा तो घर पे मिल लेते हैं। नो 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 वे नो वे नो वे, घर पे नहीं। फिर हाँ एक काम कर, तू सनी कैफे में आ जा। बेकार सा कैफे, वहाँ तो कुछ भी अच्छा नहीं मिलता, कॉफी इज ऑल्सो टेरिबल। अरे यार कॉफी पिलाने के लिए नहीं बुला रहा हूँ, कुछ बात करनी है इसलिए बुला रहा हूँ। बाहर मिल लेंगे, अंदर नहीं जाएंगे तेरे सनी कैफे में। ठीक है आ जा तू। ओके बाय बाय या। अच्छा तो हम चलते हैं। ग्रेट बाय। खुश हो रही हो? तुम कब से मेरा सर खा रहे हो, सदत बन गए हो तुम। फाइन बाय। वो पूरा मान गए। अच्छा ठीक है, संडे को पहले हम फिल्म के लिए जाएंगे और फिर डिनर। अब खुश? ग्रेट, मैं टिकट्स बुक कर लेता हूँ और एक रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन भी करा लेता हूँ। तब बाय। सी यू। आई लव यू मायरा, I love you a lot. आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले हाँ, से पूरा 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 सपोर्ट है। वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला? क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा, हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर, बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू। कर रहे हैं आप? तुम्हारी
आखिरी चोट दिख रहा है। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखिए ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी कर लूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या। अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक। नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी